मैचिंग मैचिंग है तुम लोग मालूम है भाई डिसाइड किए जैसे मैंने कहा था कल कि कुछ तो बड़ी प्लानिंग हो रही है वो प्लानिंग क्या है क्या हमने क्या करने वाले हैं गिल्लियम आगे आपको पता चलेगा ही हम निकले हैं गिल्लियम हो रहे हाउस बोट राइड के लिए इन द बैक वाटर्स बट दी बैक वाटर्स बहुत ऑफ बीट है लोग यहाँ पर मोस्टली लोगों को पता नहीं है बट वी आर गोइंग देयर बिकॉज वी हैव सर्च फॉर इट ऑफ बीट करना ही था एडवेंचर कैसा होता है गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग स्टे ट्यून आगे बने रहिए कि एडवेंचर बहुत ज्यादा है लोकल होने का फायदा लेने से बहुत ही अच्छी तरीके से उठा रहे इतना दिन से हम लोग होटल में बैठ के नाश्ता कर रहे थे ये है अप्पम और कड़ला करी ये है फूल अप्पम और कड़ला करी ये मेंदू वड़ा कड़ला करी और चटनी होटल में बैठ के खाने में अलग मजा है बट लेकिन सही में अगर मजा लेना है तो रस्ते में खड़े होके खाने में ही मजा है स्ट्रीट फूड एंजॉय करोगे दो मिनट और बीजी तक मैं खत्म कर रहा हूँ सही है मजा आ रहा है नाश्ता तो हो गया है और नाश्ते के साथ हमने पिया है बूस्ट बूस्ट पीने के बाद जो नॉस्टैल्जिया आया है भाई बचपन की जो याद आती है ना बूस्ट पीने के बाद मतलब अनबीटेबल अनबीटेबल नॉस्टैल्जिया जो पावर बूस्ट का है ना किसी चीज में नहीं है बाकी बूस्ट के साथ माइलो भी आता था माइलो भी बहुत सही था तो चलो खैर अब हम बड़े हो चुके हैं कभी कभी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करनी चाहिए और अपने अंदर का बचपना थोड़ा जगते रहना चाहिए सो हियर हैव वी रीच फॉर द बैक वाटर्स का व्यू दिखाऊं क्या चल दिखाई दे ओहो व्हाट अ व्यू क्या सही लग रहा है ईगल एक नंबर दैट्स ऑफ बिट बैक वाटर चाय पीना टेक फोटो कोकोनट बियर इज ऑफर नारियल का ताड़ी एक नंबर ताड़ी अंकल पत्ते में देगा तो भी पिएगा मजा आएगा चलो अभी ताड़ी ऑथेंटिक तरीके से पीने में ज्यादा मजा है कोकोनट बियर यस बाकी लोग बैठ चुके हैं गाइस हाथ दिखा दो पहले इस बोट में 10 जन बैठे थे पांच मोटे लोगों को भगा दिया उसी में से हाँ मैं और रमेश दो है हम लोग दूसरे बोट में जा रहे ये लोग तो अभी चढ़ चुके हैं इन लोग को लेके जाएंगे अंकल जिसको जिसको ताड़ी पे ना बोल दो अंकल को अंकल दे देंगे बाकी हम तो रेडी हैं हमको दे दो दूसरी बोट हम चले जाएंगे फिलहाल में छोटा सा चेंज है पहले 10 लोगों की जगह 20 लोगों का आ चुका है जाइए प्लीज कपल कपल जाओ पहले जा हाँ भाई अजय तू रुपए कादंबरी
इधर है बैठने का तो और ये चाइनीज फिशिंग नेट का इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं केरला में, बट इज अ वेरी रॉन्ग टाइमिंग. हम लोग निकल रहे हैं और चाइनीज फिश नेट उठा रहे हैं वो लोग, देखना क्या है क्या नहीं है. आया है नहीं, वो दोनों के जो बीच में होता है ना वो मिलेगा. अरे बहुत कम आया रहा है, छोटा छोटा. फाइनली वी आर इन द हाउस बोट नहीं बोलते हैं इसको, बेसिक कानो बोलते हैं. और ये कानो में हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं केरला का बैक वाटर्स. भाई जो फील है ना, अल्टीमेट फील. आप जब आओगे तो एक्सपीरियंस जरूर करना. आई शेयर द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन, जाकर चेक करने मत भूलना. बाकी ईगल जो हंट कर रहा है ना, मच्छी पकड़ रहा है, एक नंबर लग रहा है. फोटो सेशन चालू झालेला आहे, मी पण फोटो काढले, व्हिडिओ काढले, ते तुम्ही बघालच. बट हमारे साथ है हमारे संवाददाता डोरा. संवाददाता डोरा, आप क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत पीसफुल लग रहा है ये डोरा मन, थोड़ा आगे बैठना. पीसफुल मतलब एकदम फुल 100% पीस है. इधर बैठना वालों के बीच में. अब तेरा बीच मैं व्लॉग करूं कि नहीं करूं, तेरा बीच बीच में आ रहा है. इधर बैठ उधर बैठ. अभी मेरा नंबर है एक नंबर है तेरे पीछे मैं हूँ. तेरे पीछे मैं भाई. मम्मी पार्टी के लिए हमारे साथ है हमारे दूसरे संवाददाता रश्मि जी. रश्मि रसमलाई जी इंस्टाग्राम पे है, इनका अकाउंट आईजी अकाउंट है रसमलाई. आप क्या कहना चाहोगे, आपकी मम्मी देख रही है ब्लॉग को, आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी टेंशन मत लेना, मैं बहुत मजे कर रही हूँ. जिंदा वापस छोड़ देगा आंटी, टेंशन नहीं. जैसी आई है वैसी ही भेजेंगे, थोड़ा सा मोटा करके भेजेंगे क्योंकि हम बहुत ही खाना खा रहे हैं, टाइम टू टाइम बेस्ट खाना खा रहे हैं. और कुछ बोलना चाहोगे? ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आप क्या कहना चाहोगे पीछे वालों? भाई क्या कहना, थोड़ी देर के बाद देना, सिर्फ जो भी कहना थोड़ी देर के बाद. ठीक है, ये वाला शॉट तो बहुत भाग जाएगा जाल के नीचे वाला. तेरा बीच जाने का और एक ऑप्शन है बिना बाइक के, इधर से डायरेक्ट आधा घंटा बस में बैठना. बस में कॉल भी पहला ही मना कर देगा, इसको चलेगा बस इधर बाजी अपना वीडियो निकाल. हमने क्या कर रहे हैं यार, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल सीधा सीधा. ये बॉटल लेना है, बाहर जाना है अन्ना, बाहर जाना है, बॉटल लेना है बाहर जाके. पोर्ट पोर्ट करगा ए, बाहर जाके क्या करेगा? बॉटल लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा. कौन कौन पी रहा है? मिला हूं कुछ, मैं पी रहा है, मैं भी पी रहा हूं, मैं पहले टेस्ट कर रहा हूं. चलो उतरो फिर. यस, वी हैव रीच फॉर ताड़ी स्टेशन. ये है ताड़ी का शॉप, यहाँ से होगी ताड़ी फरार और हम भी होंगे फरार. ताड़ी पहले ताड़ी पीने में मजा आएगा.
इसको देखो, इसको देखो। जायंट स्विंग याद आ रहा है कि नहीं? जायंट जायंट स्विंग की सबसे मेन कैरेक्टर, मेन एक्टर, अवार्ड विनिंग एक्टिंग के साथ हम नॉमिनेट करते हैं श्रद्धा को। क्लैप। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है दारू की लाके पर आए हैं, बट हम लोग पी रहे हैं ताड़ी। यह है ताड़ी, टेस्ट करके देखते हैं आप। ऐसा अभी बहुत ज्यादा मिला है, मैंने इसके भी पिया था, उससे बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे ले ले एक नंबर। बिना वाला क्या और? नहीं नहीं, तुम लोग बच्चा है तो नहीं तो कंचना मम्मी को बोलेगी ताड़ी पी ले तो। और ये ब्यूटीफुल सा बैक वाटर कानोई राइड कंप्लीट हो चुका है यहीं पे। बहुत ही सोलफुल एक्सपीरियंस, पीसफुल एक्सपीरियंस। बच गए, बच गए। कौन बचा? इसे आप देख ही रहे हो, जायंट स्विंग चैंपियन श्रद्धा साल्वी इज हियर। जायंट स्विंग में तो इसकी फट गई थी, लेकिन ये बोट में भी स्विंग करते करते फट गई थी इसकी। आप कुछ कहना चाहते हो? भाई कुछ नहीं कहना, मेरे को हाथ दिखा रहा था तू, हाथ दिखा रहा था, लगा तू रिकॉर्ड कर रहा। अच्छा ओके, सो अब टाइम है भोजन करने का। जैसे हम जंगल में जब भोजन करते हैं तो उसे बोलते हैं वन भोजन, तो ये जल के पास जो भोजन हो रहा है उसे हम कहेंगे जल भोजन। वेज और नॉन वेज दोनों भी अवेलेबल है, तो देखते हैं कैसा आता है टेस्ट। इनको देखिए, इनो भी ये तुम लोग ने भी सुबह बूस्ट पिया था क्या? नहीं नहीं, मैंने चाय पिया था भाई, हमने पानी पिया था। तब बीच तुम्हारा बचपन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कर सकते हो। चलो ये बैठते हैं, खाना खाने को बैठते हैं। खाने में ऑथेंटिक फूड आई गेस ये बट इट्स लुकिंग लाइक सजा सजा वेज में आता है, आज नॉन वेज खा फिश है, freshly catch fish with authentic food, मजा आएगा। पापड़ और इसके बीच इसके साथ राइस के साथ हमको आज मिल रहा है दही कड़ी, और फिश है, कचुम्बर है, गोभी का सब्जी है। ये बीच कैसा लग रहा है? अच्छा, टेस्ट बढ़िया। कुछ पास्तों का स्टोन काट लेते हैं, अब हम देखेंगे कि कैसा खाया जाता है। ओ हो, ये है आज का खाना, ऑथेंटिक है, लोकल है, और क्या चाहिए, और चाहिए ही क्या, मजा ही अलग है। विद व्यू रोटी भी अच्छी है, सही लग रहा खाना। कैसा लग रहा है गाइस बताओ? एक नंबर, ये खाना हो रहा है विद व्यू। खाना खत्म करता हूँ तुम लोग को बाद में। कैनॉय राइड के बाद हम आए घर पे, वो फ्रेश, और अभी हम निकल रहे हैं चेराई बीच के लिए। चेराई बीच के लिए वी ट्राइड टू बुक अ बाइक, बट रेंट बाइक अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि लोकली एक्सप्लोर करें। लोकली एक बार तो फेरी से आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद बस अवेलेबल है। एक घंटे का सफ़र, 25 किलोमीटर अभी कंप्लीट करना है दोस्तों। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। उधर पहुँच के व्यू बट बहुत सड़क है, तो व्यू के लिए बने रही है, स्टे ट्यून्ड। मैं तो पहुँच ही रहा हूँ, आपको दिखाऊँगा जरूर। चेराई बीच, चेराई बीच दिखा देते हम आपको, पर हम खुद देख ले।
जू बीच, जू बीच का फीलिंग आ रहा है वापस। जिधर भी स्टॉल दिखे उधर भजिया खाना चाय पीना जरूरी है भाई। ये हमारा एक्चुअल बन चुका है, बारिश वाला मौसम है, समुद्र के किनारे पर है और थोड़ा नाश्ता हो जाए तो मजा ही अलग है। ये देखो फ्राई किया है, क्या ही बोलेगा, केला भजी उसको बोलते हैं पान पूरी। और इन्होंने खाया मिर्ची भजी, आपने क्या खाया मैम? ये खा रहे है चाय, ये पी रहे है चाय, खा नहीं रहे, सॉरी आप भी चाय पी रहे हो। और एक आइटम है यहाँ पर गोभी वाला भजिया है, गोभी वाला भजिया को क्या बोलते हैं? गोभी वाला भजिया बोंडा है, बोंडा बोंडा भी है, अंडा भजी भी है, अंडा भजी को क्या बोलते हैं? मोटा वर्तन है, वही है मोटा वर्तन है, जो भी है बोंडा अपना मुंबई का ही वड़ा है, वड़ा वड़ा टाइप का ही बोंडा बोल। मजा आ गया, थोड़ा अभी फील लेते हैं, थोड़ा घूमते हैं बीच पर, पॉसिबल होता है हम लोग थोड़ा स्विमिंग भी कर लेंगे।